दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल टाइम पास एंड अर्न की तरफ से। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पेजअप का जो ऑफर है उसी के बारे में बात करूंगा, जहां से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। न्यू यूज़र के लिए इस महीने आपको 700 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा और जो ओल्ड यूज़र है उन लोगों के लिए 650 रुपीज़ मतलब 650 रुपीज़ कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसके लिए आपको कुछ रिकमेंडेशन है, जैसे कि आपको ओला मनी सॉरी दोस्तों ओला कैब और पेजअप और एक एप्लीकेशन दोस्तों पे यू नाउ का मर्चेंट अकाउंट, ये तीनों एप्लीकेशन आपके होना चाहिए। और ये दोनों एप्लीकेशन मतलब जो पेजअप और ओला मनी एप्लीकेशन पे आपको मिनिमम KYC जो है करना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे इस ऑफर को। तो दोस्तों मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो रेड कलर का बटन है यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। उससे ही होगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ ऑफर या अर्निंग रिलेटेड तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो ये जो लाइक का बटन है यहाँ पर प्रेस करके आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए शेयर बटन पर क्लिक करके, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और दोस्तों एक बात, आपने नया कस्टमर है मतलब आपने अभी तक पेजअप जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसी लिंक से आप जाके डाउनलोड करोगे तो आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा कैशबैक मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने तो तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है और अकाउंट भी क्रिएट करके रखा है। तो सबसे पहले मैं पेजअप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको यहाँ पे जो बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पे 150 रुपीज़ मेरा बैलेंस अभी पड़ा हुआ है। तो इसके ये जो बैलेंस है मुझे कैशबैक सबसे मिला है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैं ऐड मनी जो प्लस का आइकॉन है वहाँ पर क्लिक करना होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको यहाँ पे मनी ऐड करना होगा। आपके पास जितना मनी होगा मतलब आप टोटल, तो दोस्तों यहाँ पे आपको टोटल आप 5,000 रुपीज़ आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपका ये तो बैंक पे ही मिल जाएगा 5,000 रुपया, यहाँ से कुछ चार्जेस लिया जाएगा। उसके बाद आपको टोटल में आपको अगर आप ओल्ड यूज़र है तो आपको 650 रुपया आपको कैशबैक मिल जाएगा ये जो पेजअप वॉलेट है इसमें 7 डेज़ के अंदर, और आप न्यू यूज़र हो तो आपको 700 रुपया कैशबैक मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आपके पास इतना मनी नहीं है तो आपके पास जितना भी मनी होगा तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा दूंगा कौन सा प्रोमो कोड पे आपको कितना मनी सेंड करना होगा। तो आपको जितना मनी होगा उसके हिसाब से मनी ऐड कर लीजिएगा यहाँ पर। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि एक साथ आप यहाँ पर 2,000 रुपीज़ से ज़्यादा एक कार्ड से ऐड नहीं कर पाओगे मनी। तो देखो यहाँ पे अमाउंट पे मैंने 2,000 रुपीज़ डाल दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे कार्ड लिंक करने के लिए बोलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ से मानी से नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको पेजअप का होम एप्ली मेनू पे आ जाना है और यहाँ पे 3 डॉट मेनू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेज कार्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपको यहाँ पे कार्ड नंबर दे के सेव कर लेना होगा जिस कार्ड से आप मनी ऐड करना चाहते हो, जैसे कि पेटीएम हो एयरटेल हो आपका जो दूसरा बैंक का डेबिट कार्ड हो उसमें से आप मनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कार्ड का डिटेल। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैंने कार्ड को ऐड कर लिया यहाँ से जाके, और दूसरे कार्ड को मैं ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक साथ 5,000 रुपीज़ ऐड करूँगा, पूरा जो प्रोमो कोड है सबको मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैनेज कार्ड पे कार्ड को ऐड कर लेना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आना होगा, उसके बाद ऐड प्लस जो अकाउंट है वहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा, उसके बाद यहाँ पे 2,000 रुपीज़ आप लिख दीजिए, उसके बाद ऐड मनी पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो पहले वाला कार्ड है मतलब एक ही कार्ड से एक बार 2,000 रुपीज़ कर सकते हैं एक बार में, तो आपको बाद में कर सकते हैं 4 घंटे के बाद में आप करोगे तो आपका हो जाएगा। तो मैं एक ही कार्ड से यहाँ से कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने कार्ड पे सेलेक्ट करके ऐड मनी पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे CVV पूछा जाएगा तो CVV डाल दीजिएगा। तो उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो पेज आपका ओपन हो जाएगा OTP के लिए, तो आपका मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा तो आपको सक्सेसफुली यहाँ पे जो पेमेंट है हो जाएगा। तो देखो दोस्तों OTP आ गया है और यहाँ पे सबमिट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुल ऐड हो जाएगा मेरा वॉलेट पे पेजअप वॉलेट पे। तो थोड़ा आपको वेट करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे देखो लोडिंग ले रहा है। सॉरी दोस्तों यहाँ पे फेल हो गया है, कुछ OTP का गलत मैंने डाल दिया है, इसलिए यही प्रोसेस है, आप इसी प्रोसेस से आप मनी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ पहले। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली पेड मतलब ऐड हो गया है मेरा अकाउंट पे, तो उसके बाद ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2,150 रुपया मेरा वॉलेट पे आ गया है। तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आप चले जाइए ओला मनी एप्लीकेशन में, आप लोगों को यहाँ पे बैनर पे आपको ऑफर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 100 कैशबैक ऑन 4 ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे 250 रुपीज़ करके मतलब 250 रुपीज़ करके 4 बार अगर आप ट्रांजेक्शन करोगे तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा। इसके लिए आपको 1,000 रुपीज़ बैलेंस का ज़रूरत है, आप ओला मनी पे ऐड कर लोगे तो आपका ट्रांजेक्शन हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। तो मैं
इसके लिए आपको कोई भी प्रोमो कोड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा है तो आप कर लीजिए ये जो 4 ट्रांजेक्शन है 250 रुपीज़ करके। उसके बाद आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ और कैशबैक मिलेगा। 1,000 रुपीज़ आपको ऐड करना होगा ओला मनी पे और प्रोमो कोड पे डालना होगा टैक्सी TAXI। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये प्रोमो कोड है, तो आपको 10% के हिसाब से आपको ये जो कैशबैक है मिलेगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम 1,000 रुपीज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कम मिलेगा। आप जितना मनी करोगे उसके हिसाब से 10% के हिसाब से आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम ले लेंगे आपको 1,000 रुपीज़ करना होगा, तो टोटल आपको 2,000 रुपीज़ यहाँ पे हो गया, मतलब 200 रुपीज़। और रेफ़र करके यहाँ पे आप 50 रुपीज़ करके कमा सकते हैं। तो आपका फ्रेंड जब भी आपका रेफर लिंक से ज्वाइन हो जाएगा तो आपका 50 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। तो ये तो हो गया है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे और एक बहुत बढ़िया ऑफर है दोस्तों, स्कैन एंड पे। जो आप भारत QR कोड को स्कैन करके पे करोगे तब जाके आपको 10% के हिसाब से 250 रुपीज़ कैशबैक मिलने वाला है। तो आपको टोटल 2,500 रुपीज़ आपको स्कैन करके पे करना होगा। जैसे कि भारत QR कोड जहाँ पे होगा उसको स्कैन करके पे करोगे तो आपको ये कैशबैक मिल जाएगा। तो आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है जहाँ पे, तो वहाँ पे आपको भारत QR कोड दिया जाता है, तो वहाँ से उस कोड को स्कैन करके पे करके आप पे कर दीजिए पेजैप से, तो आपको वो जो कैशबैक हो आपको मिल जाएगा। और नहीं है तो आप पेयू मर्चेंट पे, अगर आपने पहले अकाउंट क्रिएट करके रखा है, ओल्ड यूज़र है, तो आपको शायद QR कोड आपको मिल जाएगा। मेरा तो है, मैंने उसको सेव करके रखा था लेकिन अभी बंद कर दिया गया है। तो उस कोड को स्कैन करके आप कहीं से भी आप भारत QR कोड को स्कैन करके पे करोगे तो आपको 250 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा, 2,500 रुपीज़ पे करने पर। तो ये तो बहुत सारा ऑफ़र आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ एक ऑफ़र, ताकि आपको आसानी हो जाए अप्लाई करने में। और दो ऑफ़र है आपके लिए। तो दोस्तों देखो, मैंने ओला मनी पे अकाउंट क्रिएट कर लिया है और KYC भी सक्सेस कर लिया है। यहाँ पे ओला मनी जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके आपको KYC करना पड़ेगा। यहाँ पे KYC पूछा जाएगा, तो आपको KYC मिनिमम KYC आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ पे मैंने ऐड मनी पे क्लिक कर लिया है। उसके बाद 100 रुपीज़ ऐड करना होगा सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर्स का जो पेमेंट मेथड है वहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, तो आपको पेजैप ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड दोस्तों नहीं हो सकता है, तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो दोस्तों मैंने साइड में फ़ोटो दे दिया है, और अप्रूव के नीचे जो गॉट ए प्रोमो कोड ऑप्शन है वहाँ पे आपको ज़रूर क्लिक करना होगा। अप्रूव पे क्लिक मत कीजिएगा। उसके बाद गॉट ए प्रोमो कोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रोमो कोड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें आपको डालना होगा मिस यू MISSYOU। तो उसके बाद आपको अप्लाई कर देना होगा। तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डर सपोर्ट नहीं करता है पेजैप ने। तो सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, इसका एक नोटिस आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद अप्रूव कर दीजिएगा। तो आपको अप्रूव करने का टाइम पे आपको एक चीज़ करना ध्यान रखना होगा, आपका जो कार्ड का ऑप्शन, मतलब आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख जाएगा पेमेंट मेथड, उसके बाद आपको एरो का निशान दिख जाएगा, वहाँ पे आपको एरो पे सिलेक्ट करना होगा और पेज आप कार्ड का एक ऑप्शन आएगा, उसी कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अप्रूव कर दीजिएगा, तो आपको सक्सेसफुली अप्रूव हो जाएगा पेमेंट। तो देखो दोस्तों मैंने अप्रूव कर दिया है सक्सेसफुली। तो देखो दोस्तों यहाँ पे रिचार्ज सक्सेसफुल ऐसे करके आपको एक नोटिस आ जाएगा, तो आपका वॉलेट पे 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा। फिर से आप यही प्रोसेस करके मिस यू प्रोमो कोड के यूज़ करके दो बार आप 100 रुपीज़ करके 200 रुपीज़ टोटल मनी ऐड कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपको 25 रुपीज़ करके टोटल 50 रुपीज़ कैशबैक आपका पेजैप वॉलेट पे मिल जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ फिर से यही प्रोसेस। तो दोस्तों मैंने दो बार ऐड कर लिया है टोटल ओला मनी पे 200 रुपीज़। उसके बाद आपको, अगर आपके पास बैलेंस है तो आप 250 रुपया ऐड कर लीजिए फिर से सेम प्रोसेस पे। और प्रोमो कोड को क्या यूज़ करना होगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको प्रोमो कोड पे डालना होगा पेजैप PAYZAPP। तो दोस्तों पेजैप यूज़ करके आप सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा पेजैप प्रोमो कोड को, उसके लिए आपको और 100 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। तो उसके बाद अप्रूव कर दीजिएगा, तो आपका ओला मनी वॉलेट पे टोटल 450 रुपीज़ बैलेंस ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको टोटल कितना कैशबैक मिलेगा, 100-150 रुपीज़ आपको टोटल कैशबैक मिल जाएगा। उसके बाद आप फिर से यहाँ पे जाइए और 250 रुपीज़ करके 4 बार ट्रांजेक्शन कर लीजिए। कोई भी प्रोमो कोड आपको यूज़ नहीं करना होगा, उसके लिए आपको और 100 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे पहले आप एक काम कर लीजिए, 1,000 रुपीज़ ऐड कर लीजिए अगर आपके पास बैलेंस है तो। उसके उसके लिए आपको टैक्सी प्रोमो कोड का यूज़ कर लेना होगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को मिस यू और पेजा प्रोमो कोड को यूज़ करने के लिए बोला है, उसी प्रोमो कोड की जगह पे आपको टैक्सी प्रोमो कोड को यूज़ कर लेना होगा। जितने भी प्रोमो कोड हैं मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख के अप्लाई कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये प्रोमो कोड को अप्लाई करने के लिए आपको आपके पास 2500 रुपये होने चाहिए और आपका भारत QR कोड होना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी मतलब जो प्रोमो कोड अप्लाई करने का ज़रूरत नहीं, यहाँ पे स्कैन एंड कोड का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे अलाउ कर दीजिए, तो आपका बार कोड मतलब जो QR कोड है, देखो यहाँ पे मेरा जो इलेक्ट्रिक बिल का बार कोड है, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक बिल को स्कैन करने पर मेरा जो अमाउंट है बिल का वो इंस्टेंटली आ जाएगा। और ये दोस्तों भारत QR कोड है तो इसके हिसाब से 10% कैशबैक मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे 51 रुपीज़ शायद मुझे कैशबैक मिल जाएगा। तो आपका अगर बिल 2500 रुपये से ज़्यादा कोई भी बिल है तो उसको पे करके आप ये जो प्रोमो कोड मतलब सॉरी दोस्तों ये जो कैशबैक है 250 रुपीज़ वो आप यूज़ मतलब ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां से मेरा जो पेयू का मार्चेंट QR कोड है उसको स्कैन करके पे करूंगा 2500 रुपीज़, तो मुझे ये कैशबैक मिल जाएगा। तो स्कैन करने के बाद आपको यहां पे अमाउंट डाल देना होगा, उसके बाद पे विथ कार्ड पे क्लिक कर देना होगा, तो आपका कार्ड यहां पे शो हो जाएगा। तो यहां पे माय वॉलेट का जो ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना होगा, उसके बाद पे पे क्लिक कर देना होगा। तो देखो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और दोस्तों बाकी आपने जितना मनी ओला मनी पे ऐड किया है उस बैलेंस को आप कैसे बैंक पे ट्रांसफ़र करोगे, उसके लिए आपको जो पेयू का मार्चेन अकाउंट है उसको ओपन कर लेना होगा। तो देखो दोस्तों मेरा जो QR कोड है उसको स्कैन करके अभी मैंने पे किया है, देखो 2 दिसंबर अभी 2:46 हुआ है, तो 2500 रुपीज़ मुझे पेमेंट मिल चुका है इस पे। तो आपको दूसरा जो ओला मनी का पेमेंट लेने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट पेमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, आपका जितना अमाउंट का पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसका रिक्वेस्ट कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे मेरा 119 मतलब 1950 का पेमेंट मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी कुछ भी लिख दीजिए, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, उसको कॉपी कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी ब्राउज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ कर लूँगा एक ब्राउज़र में। तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, एक इस तरफ का इंटरफेस आ जाएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों उसके बाद इस तरफ का इंटरफेस आ जाएगा और ओला मनी पे आपने जो नंबर रजिस्टर किया है उस नंबर को और उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डाल देना होगा, कंटिन्यू टू पे क्लिक कर देना होगा, तो मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपको इस तरफ का पे ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में वॉलेट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, उसके बाद आपको ओला मनी वॉलेट यहाँ पे दिख जाएगा, तो ओला मनी पे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ओला मनी जो रजिस्टर नंबर है उस पर एक OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे OTP सेंड कर दिया गया है ओला मनी रजिस्टर नंबर पे, OTP को डाल दे के कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा। तो दोस्तों मैंने OTP डाल के कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा जो ओला मनी का वॉलेट बैलेंस है यहाँ पे शो हो गया है, तो उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, तो सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आप लोगों को पेयू मर्चेंट पे लेके आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑर्डर आईडी आपको दिया जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिल चुका है ब्राउज़र में, उसके बाद मैं यहाँ पे पेयू नाउ मर्चेंट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद बैक पे ले चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे दोस्तों जो व्यू ऑल ट्रांजेक्शन का डिटेल्स आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 1950 रुपये का मुझे जो पेमेंट है इस लिख के मैंने क्रिएट किया था उसका यहाँ पे पेमेंट मिल चुका है। तो दोस्तों इस पेमेंट को बैंक पे सेटल होने के लिए आपको देखो यहाँ पे 4 दिन मतलब 2 दिन का टाइम लेता है और यहाँ पे आपको कुछ चार्जेस किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं मांग रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.99% के हिसाब से मतलब 2 रुपये के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा बैंक को, और बाकी जितना आपका अमाउंट है वो आपका बैंक अकाउंट पे डेबिट मतलब क्रेडिट हो जाएगा, जिस अकाउंट को ये पेयू नाउ पे लिंक करके रखा है आपने। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना।